अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फिजान तनवीर है। आज किस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7, डेट इज वाटर। इससे पहले आप लोगों के लिए 6 चैप्टर जो हैं उनके विंडशॉट वीडियोस आ चुकी हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसके अंदर सारे आपके केमिस्ट्री के 8 के 8 चैप्टर जो है उस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद होंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी कोई चीज़ रिवाइज करनी हो या किसी को कोई चीज़ शेयर करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट को जो है वो आगे रेफर कर दो। सो अभी तक हम 5 से 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 7, और उसके बाद एक और चैप्टर रह जाएगा और हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया सारे वन शॉट्स के अंदर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इससे वैल्यू मिली। क्योंकि जहां आप पूरा साल लगाते हो अपनी केमिस्ट्री की बुक खत्म करने के, वहां पे सिर्फ आपको गिनती के 8 दिन लगे। 8 दिन में भी सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटे मैक्सिमम आपने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, अपने लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज के मार्क भी किए, उनके कॉन्सेप्ट भी लिए, उनको समझा भी और साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाए। सो इसी तरह हम लोग चैप्टर नंबर 7 को भी जो है आज कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों देखने को मिलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नेम है डेट इज वाटर। अब वाटर क्या चीज होती है हमारे पास? वाटर मतलब पानी। पानी हम किस लिए यूज करते हैं? पानी हम बहुत सारे वेज के लिए यूज करती है। हम लोग सबसे मेन जो पानी यूज करते हैं वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए करते हैं, बिकॉज तमाम जो जानदार है वो पानी पीते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। इसके अलावा पानी को हम लोग जो है वो वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो पानी को हम लोग डिफरेंट चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं, पानी को हम फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा अनगिनत वेज है पानी के, ऊपर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। बट हम इस चैप्टर के अंदर पानी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी जो है इस दुनिया में कितने % मौजूद है। हम जैसा कि जानते हैं, एक रफली आइडिया है कि जो वाटर है दुनिया के अंदर वो ऑलमोस्ट हमारे पास, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लैंड है, लैंड हमारे पास होती है ऑलमोस्ट 29%, ठीक है, पूरी वर्ल्ड की 29% जो है वो हमारे पास क्या होती है, लैंड होती है। और वाटर जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 70% जो है पूरे दुनिया का जो है वो क्या है, वाटर है। पूरे दुनिया में वाटर मौजूद है। बट ये तो एक जनरल आइडिया है, बट हम जो चीज़ देखने वाले हैं डेट इज़ के लैंड के अलावा जो वाटर है उसके अंदर कितने किस्म की जो है वो डिविजन्स हुई हुई हैं, कितना पानी समुद्रों के अंदर मौजूद है, कितना पानी जो है ज़मीन के ऊपर मौजूद है, कितना पानी ज़मीन के नीचे मौजूद है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो चैप्टर को है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ये कुछ सिग्निफिकेंस लिखी हुई है वाटर की, इसको आप पढ़ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं अकरेंस ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है जी। हमारे पास कौन सा टॉपिक है? अकरेंस ऑफ वाटर। अब बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितना पानी है उसका जो 97% है वो कहां पर मौजूद है? वो ओशंस के अंदर मौजूद है, समुद्रों के अंदर 97% जो है वो वाटर मौजूद है। उसके अलावा जो बाकी का पानी है वो कहीं ग्लेशियर्स की सूरत में मौजूद है, कहीं जमीन के अंदर मौजूद है, कहीं जमीन के ऊपर तालाब दरिया वगैरह इनके अंदर मौजूद है। सो हमने जो है इसके अंदर मेजरली जो है हमने यहाँ से इस ग्राफ को जो है इसको प्रिपेयर करना है। इसके अंदर हमारे पास ओशन में कितने % वाटर है? 97% वाटर है। उसके बाद ग्लेशियर्स और आइस कैप्स, ठीक है, बर्फानी जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर कितने % है? 2% है। इसके अलावा एटमोसफेयर ग्राउंड वाटर जो है हमारे पास, ग्राउंड वाटर जो है यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी मौजूद है वो कितने % है? 0.6%। उसके अलावा इनलैंड वाटर, पानी जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है तालाब की शक्ल में, ठीक है, झरनों की शक्ल में, वो कितने % है? 0.2%। इसके अलावा जो एटमोसफेयर के अंदर प्रेशर जो कि वेपर्स की शक्ल में, आबी बुखारात की शक्ल में मौजूद है, वो कितने % है? 0.001%। अब यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ यहाँ से समझ आती है कि कितने % पानी जो है हम पी सकते हैं, ठीक है, कितने % पानी जो है ड्रिंकेबल है पूरी दुनिया का। सो वो है जस्ट 0.2% पूरी अर्थ का जो कि पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि 100 में से जस्ट 0.2% वाटर है जो कि हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। बाकी को भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें उसको फिल्टर करना पड़ेगा, डिफरेंट प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ेगा। सो अब मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर। इसमें से काफी प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, एक दो जो है वो न्यू प्रॉपर्टीज होगी उनको देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस पेपर के अंदर ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरा क्या है? इसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका? 0 डिग्री। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? 100 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस टेम्परेचर पर है? 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर है। इसके बाद क्या है जी कि जो ये क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, यानी कि ये काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर जो है वो डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है। 5 नंबर वाला जो पॉइंट है डेट इज़ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कितनी है?
हमने ये 9 क्लास में पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, जो कि 6 टाइम ज्यादा है किससे, रॉक से, सोइल वगैरह से। इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, इस प्रॉपर्टी का फायदा यह है कि जो ये जमीन का जो टेम्परेचर है उसको क्या करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है, नॉर्मल करके रखती है। वरना क्या होगा, अगर ये वाटर की इतनी कैपेसिटी ना होती तो ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सुबह के टाइम गर्म और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती। इसके बाद जो 6 नंबर वाला पॉइंट है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, डेट इज़ कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ कैपिलरी एक्शन क्या चीज़ है। हमारे पास जो वाटर होते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो वाटर की सरफेस है, ठीक है, वाटर की सरफेस पे थोड़ा सा जो है ना एक टेंशन क्रिएट हुई होती है, यानी कि थोड़ी सी सरफेस सेंटर से ऊंची होती है। जैसे हम कोई भी ड्रॉप देखते हैं तो वो सेंटर से थोड़ा गोल होता है ना, तो सेम वैसी जब हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक बारीक सी ट्यूब ला के रखते हैं, ठीक है, एक हमने छोटी सी क्या की यहाँ पे एक ट्यूब ला के रखी, तो पानी क्या करेगा, पानी अपने आप ही यहाँ से थोड़ा सा उठ जाएगा, क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा पानी उठ जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, कैपिलरी एक्शन। के पानी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि पानी जब भी किसी स्मॉल ट्यूब के ऊपर रखते हैं तो पानी हल्का सा उसकी सरफेस से थोड़ा सा उठ जाता है, ऊपर हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। अभी जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ रियल लाइफ में यूज होती है, ये यूज होती है हमारे प्लांट्स की रूट्स के अंदर, ठीक है, बिकॉज जब हम पानी देते हैं पौधे को तो हम प्लांट को ऊपर पानी नहीं देते बल्कि ज़मीन में पानी देते हैं, वो ज़मीन से खुद एब्जॉर्ब करता है। अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के अंदर फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जो कि पानी को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो जब पानी खींचते हैं तो दैट्स कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, ठीक है जी। तो आपने ये डेफिनेशन मार्क करनी है, इट हैज़ अ हाई सर्फेस टेंशन, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैपिलरी एक्शन। आगे कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट्स टू लीव्स, ठीक है, प्लांट की रूट से लेकर प्लांट के पत्तों तक लीव्स तक जो है पानी कैसे पहुंचता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, वाटर में क्योंकि हर चीज़ पानी के अंदर, मैक्सिमम चीज़ें पानी के अंदर डिजोल्व हो सकती हैं, डैट्स वाई आप चीनी ले लो, आप नमक ले लो, आप कोई भी मल्टीपल चीज़ें ले लो, वो जो है पानी के अंदर क्या हो सकती हैं, डिजोल्व हो सकती हैं, डैट्स प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, बिकॉज इट डिजोल्व ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स, ठीक है, इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व सब्सटेंस इज बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब बेसिकली ये प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली है हमारे पास पोलैरिटी, सेकंड है एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जब इन दोनों को जो है वो देखते हैं, इन दोनों को मैं आपको जो है वो रीड नहीं करवाऊंगा बल्कि मैं आपको अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर आप इसको खुद रीड कीजिएगा और जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप अपने पेपर में लिख कर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वर्ड बाय वर्ड पूरा पूरा याद करके आओ, हम इसको सिर्फ अगर समझ लें तो ये हमारे लिए इनफ होगा। सो हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड, यहाँ पर हम लिखते हैं डेट इज कॉल्ड पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ, अच्छा जी, पोलैरिटी जो है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। हमने 9 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो पोलैरिटी है ये सेम काम करती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जैसा, ठीक है जी। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कैसी होती थी हमारे पास, अभी मैं आप लोग को जो है वो समझाता हूँ, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं, अब हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हम जो है ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हमारे पास एक और हाइड्रोजन, ठीक है, ये मैं आपके लिए जो है एक बना दिया एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे होता है हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही हम कोई और ऑब्जेक्ट, कोई आयनिक कंपाउंड इसके साथ लाते हैं, इसके अंदर मिक्स करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नमक को NaCl को पानी में डालते हैं, अब जरा हम NaCl का जरा बॉन्ड बनाते हैं, सो Na, ठीक है, Na के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक NaCl का मॉलिक्यूल है, अब होगा क्या, अब क्योंकि हमेशा बॉन्डिंग करने के लिए ऑपोजिट चार्जेस आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे पास इस टाइम मौजूद जो सोडियम है वो किसकी तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, बिकॉज सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और जो क्लोरीन है वो किसकी तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली वो मूव करेगा हमारे पास हाइड्रोजन की तरफ,
ठीक है। इसी तरह एक और NaCl होगा जो कि इस तरह जो है वो बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा होगा। सो आपने यहाँ पर देखा कि वाटर की जो पोलैरिटी थी, पोलैरिटी मीन्स कि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, जो सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव वाला होगा वो पार्शियल पॉजिटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। अब आप पूछोगे भैया ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो इस तरह का एक और NaCl होगा जो कि क्लोरीन के साथ जाकर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम जस्ट एक की ही एग्जाम्पल ले रहे थे। सो दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब सर इसको रीड भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सो क्या है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल हैज पोलर स्ट्रक्चर, एक एंड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है जबकि दूसरा क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की। अब ऑल पोलर सब्सटेंसेस आर सोलेबल इन वाटर, जितने भी पोलर यानी कि जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव एंड। जैसे मैंने आपको बताया सोडियम पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और क्लोरीन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हाइड्रोजन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। सो यही पॉइंट जो है यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे बस बता रहे हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम कर देती है आयन डाइपोल फोर्सेस को, जिसकी वजह से दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो NaCl के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक कर देते हैं और खुद जाके उसके साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि वो चीज़ उसके अंदर क्या हो चुकी है, डिजोल्व हो चुकी है। तो डेट इज ओवर पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज कॉल्ड, ठीक है, इसके अंदर आपने जो डायग्राम है ये वाली डायग्राम भी बनानी है, ठीक है, ये तीनों डायग्राम्स आपने जो है इस जैसी आपने डायग्राम बना देनी है। इसके बाद है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है जी, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम जरा इस पर ओवरव्यू डालते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आगे क्या हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। सो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी क्या है बेसिकली, कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे दो सब्सटेंस आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब हम जब वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है H2O, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, एक निकलता है हमारे पास H पॉजिटिव और दूसरा क्या निकलता है OH नेगेटिव। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो अपने साथ चार और मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, अटैच करके रख सकता है, ठीक है जी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन मौजूद है, OH मौजूद है। यानी कि मेरे पास अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है, जैसे हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, अब इस हाइड्रोजन के साथ एक और जो है वो वाटर अटैच हो जाएगा, इसी तरह इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, एक और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सेम इस तरह जो है इसी हाइड्रोजन के साथ जो है क्या होगा, एक ऑक्सीजन और इसके साथ क्या होगा, एक हाइड्रोजन। तो इस तरह जो है एक एटम मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का, वो अपने साथ चार डिफरेंट किस्म के जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्या करके रख सकता है, अटैच करके रख सकता है। और सेम वही काम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को अटैच करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। इसको अब जरा हम रीड करते हैं। तो कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, जैसा कि हमें पता है, बिकॉज ऑफ टू OH बॉन्ड्स एंड टू लोन पेयर्स, वन H2 मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वाटर का मॉलिक्यूल चार मजीद वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रख सकता है। दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर इनेबल इट टू डिजोल्व मैनी नॉन पोलर आयनिक कंपाउंड्स हैविंग OH लाइक एल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, शुगर एक्सेट्रा, फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देम। अभी अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल चार अपने जैसे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रख सकता है, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे जिसके पास OH मौजूद है उसको भी अपनी तरफ क्या करके रख सकता है, अटैच। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, मेरे पास, मैं एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ CH3OH। अब ये जो है मैंने अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा है, अब क्योंकि इसके अंदर OH मौजूद है तो जो ये O और H है ये किसके साथ अटैच हो सकता है, ये अटैच हो सकता है किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो इस तरह जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज़ करते हुए दूसरे नॉन पोलर्स को भी अपने साथ क्या करके रख सकता है, अटैच करके रख सकता है, जोड़ के रख सकता है। बट शर्त यह है कि उनके दरमियान क्या मौजूद होना चाहिए, उनके दरमियान OH का बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। इसके बाद आपने जो है ये एक छोटा सा MCQ है, छुपा के लिखा हुआ, इसको मार्क करना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान
कौन सा एंगल बन रहा होता है, दैट्स कॉल्ड 104.5 डिग्री। इसको आपने एमसीक्यूज के लिए माइंड में रखना है। इसके बाद ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आपने याद रखनी है। कहना है कि एक सीजियम जो कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, कहना है अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी पानी में डाल दिया जाए, ओशन में डाल दिया जाए या किसी भी बर्तन में शीशे के बने हुए में डाल दिया जाए, तो इतना विगरस रिएक्शन होता है, इतना खतरनाक रिएक्शन होता है कि वो जो पूरा कंटेनर है वो टुकड़े टुकड़े होके जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो आप YouTube के ऊपर पहले ग्रुप के अल्कली मेटल्स के रिएक्शन जो है वाटर के साथ वो वीडियो देख सकते हो। आपको बहुत मजा आएगा वो वीडियो देखकर, आपको काफी पता चलेगा कि पहले ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होते हैं सारे जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का, वॉयलेंट किस्म का जो रिएक्शन है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, डेट इज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अब इसके बारे में जो हम देखते हैं, तो बच्चों बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्ट वाटर एंड व्हाट इज हार्ड वाटर। आपके माइंड में आगे क्या भैया, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर ये क्या चीज होती है? तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या चीज होती है, बट इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा मेरे साथ। कैसे वाला? अब आप देखो, जैसे ही आसमान से बारिश नीचे की तरफ आती है, ठीक है जी, एज्यूम करो कि बारिश जो है वो हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है। अब जब वो बारिश है, जब वो एटमोसफेयर के अंदर से गुजरती है, तो उसके अंदर क्या मौजूद होता है? वाटर के हमारे पास जो पानी है, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसके अंदर मौजूद होती है, जब वो पानी के साथ नीचे आती है, तो उस वो जो है हल्की सी उसकी पीएच वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, जैसे कि अपने एसिड रेन के अंदर पड़ा था। फिर जब वो जो एसिड नुमा जो पानी होता है, जिसको हम एसिड रेन कह सकते हैं, बट वो होती नहीं है क्योंकि एसिड रेन ज्यादा खतरनाक केमिकल्स को मिलाकर बनती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। सो वो जो रेन वाटर होता है, जब वो जमीन पर आता है, जमीन पर आकर जब वो पत्थरों से, जब वो रॉक से टकराता है, तो हमारे पास यहाँ हमारी बिल्डिंग से टकराता है, तो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर होते हैं हमारे पास लाइमस्टोन। ठीक है, हम यहाँ पर कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो थे वो बादल थे, ठीक है, यहाँ से जो है बारिश जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है जी, जब वो हमारे बिल्डिंग से टकराती है, ठीक है जी, हम यहाँ पे जो है ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये बिल्डिंग है, ठीक है जी, ये हमारी बिल्डिंग्स है, जब हमारी बिल्डिंग से या हमारे पत्थरों से, ठीक है, ज़मीन से जब टकराती है, तो इनके अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास क्या चीज़, इसके अंदर हमारे पास मौजूद होती है लाइमस्टोन। अब क्यों ज़रूरी है जी ऐसे लाइमस्टोन के अंदर मौजूद होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मौजूद होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें पत्थरों वगैरह से मिलती है। सो ये जो रेन वाटर है ये क्या करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करके क्या कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट करता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कुछ भी नहीं होता, बाइकार्बोनेट का सिंपल मतलब ये है कि कार्बोनेट है उसके सेंटर में एच लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा हमारे पास बाइकार्बोनेट। इसी तरह एक और होता है मैग्नीशियम, ठीक है जी, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर जब ये सारा जिसके अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, जब ये पानी समुद्रों में जाता है या ये पानी दरियाओं में जाता है, तो उस पानी को क्या कर देता है, ये हार्ड कर देता है। क्या कर देता है? इस पानी को हार्ड कर देता है। यानी कि अभी अब समझ नहीं आई सॉफ्ट वाटर क्या था, हार्ड वाटर क्या था, मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट वाटर का मतलब ये था कि जब तक पानी के अंदर हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स नहीं बने थे, तब तक वो पानी क्या था, सॉफ्ट था। बट जैसे ही पानी के अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स ऐड हो जाते हैं, तो वो पानी क्या बन जाता है हमारे पास, हार्ड बन जाता है। और सिर्फ बाइकार्बोनेट्स ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास कैल्शियम के जो है वो अगर सल्फेट्स ऐड हो जाए, ठीक है, इसी तरह इसके क्लोराइड्स ऐड हो जाए, ठीक है, तब भी जो पानी है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम के हो जाए या मैग्नीशियम के। यानी कि पानी किस किस वजह से हार्ड हो सकता है, या तो उनके अंदर सल्फाइड्स आ जाए, क्लोराइड्स आ जाए, या उनके दरमियान जो है वो क्या ऐड हो जाए, बाइकार्बोनेट्स। तो ये तीनों चीज़ों से जो हमारा वाटर है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इन तीनों चीज़ों से जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाता है, हमारा वाटर जो है वो हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भैया, समझ तो आ गई है कि अच्छा जी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब सल्फेट्स, क्लोराइड्स या बाइकार्बोनेट्स जब पानी में शामिल हो जाएं, तो वो पानी क्या हो जाता है, हार्ड होता है। लेकिन भैया हमें पता कैसे चलेगा कि पानी सॉफ्ट है या पानी हार्ड वाटर है, और क्या ये कोई खतरनाक चीज़ है? तो अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। सो उसका एक बड़ा आसान सा जो मेथड है इसको फाइंड करने का कि सॉफ्ट वाटर कब बनेगा और पानी हार्ड कब बनेगा, ठीक है, ये निकालने का एक बड़ा आसान तरीका जो है वो हमें मिलता है कि अगर पानी, ठीक है, अगर हमारा वाटर जब हम हाथ धोते हैं पानी से, तो अगर हमारा जो पानी है
वो साबुन के साथ अच्छी लेदर बनाता है, लेदर मीन्स झाग बनाता है, तो वो पानी हमारा सॉफ्ट होगा। मैं कहता हूँ कि अगर पानी जो है वो गुड लेदर बनाता है, ठीक है, ये लेदर जो है ये दूसरा लेदर है, गुड लेदर बनाएगा तो वो पानी सॉफ्ट होगा, और अगर वो जो है बैड लेदर बनाएगा यानी कि बिल्कुल झाग नहीं बनाएगा, वो जैसे ही आप हाथ करोगे पानी सारा उतर जाएगा, झाग बिल्कुल नहीं बनेगी साबुन के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, बैड हार्ड वाटर कहलाएगा। यानी कि ये दो तरीके जो है वो फाइंड करने के हैं कि क्या पानी सॉफ्ट है या क्या पानी हार्ड है। अगर तो वो गुड लेदर बनाएगा, अच्छी झाग बनाएगा साबुन के साथ, क्यों साबुन के साथ ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है जो सोप होता है, साबुन होता है, इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन, तो जब वो बेसिक के साथ रिएक्शन करता है तो वो गुड लेदर अगर बनाएगा तो वो सॉफ्ट होगा, अगर वो गुड लेदर नहीं बनाएगा तो वो कौन सा वाटर होगा, हार्ड वाटर होगा। सो ये पॉइंट आपको जो है समझ आ गया। दोबारा रिपीट करते हैं कि अगर गुड लेदर बनेगी तो सॉफ्ट होगा, अगर बैड लेदर बनेगी तो वो क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। अब पानी हार्ड होता कैसे है, वो मैंने आपको बताया कि जब रेन वाटर आके लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। अगर हम इसके छोटे से रिएक्शन की बात करते हैं तो आप यहां पे रिएक्शन इसका देख सकते हो कि हमारे पास जो है हमारे पास वाटर है, ठीक है जी, वाटर प्लस मैंने आपको बोला था उसमें क्या मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस जब वो लाइमस्टोन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मिलकर क्या बना देगा, वो क्या बनाएगा हमारे पास, CaHCO3 × 2, यानी कि ये क्या बन चुके हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो है बाइकार्बोनेट बन चुके हैं, ये क्या हमारा बाइकार्बोनेट, और ये वजह बनता है किसकी, ये वजह बनता है हमारे पास हार्ड वाटर की। सो ये हमारा जो है वो रिएक्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो अब जरा इसको पहले रीड करते हैं फिर आगे मूव करेंगे। तो हमारे पास जो है सबसे पहले क्या आ रहा है, सॉफ्ट वाटर आ रहा है। सॉफ्ट वाटर इज डेट वाटर विच प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप, जो साबुन के साथ अच्छी झाग बनाएगा वो कहलाएगा सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या है जी, हार्ड वाटर इज डेट वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप, जो साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाएगा, गुड लेदर नहीं बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, हार्ड वाटर कहलाएगा। इसके बाद है कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, पानी के अंदर हार्डनेस की वजह क्या है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। द रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर, जैसे ही रेन वाटर जो है जमीन पे आ रही होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करती है, अट्रैक्ट हो जाती है। द वाटर मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पासेस थ्रू बेड्स ऑफ सॉइल कन्वर्ट इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इंटू सोल्यूबल कार्बोनेट्स, जैसे वो जमीन पर आती है तो जमीन पर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स को वो कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, बाइकार्बोनेट्स के अंदर। इट मे ऑल्सो डिजोल्व क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स को भी अपने अंदर शामिल कर लेती है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और जिससे जो सॉल्ट बनता है वो क्या करता है, पानी को हार्ड कर देता है। एग्जांपल के तौर पर अभी हमने ये रिएक्शन किया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। सेम केस है हमारे पास मैग्नीशियम के लिए भी, जो कि क्या बनाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब हमारे पास आगे जो है, आगे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास रेन वाटर है उसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, सल्फाइड्स, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के आयंस वगैरह शामिल होते हैं। एग्जांपल के लिए जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला देख रहे हो, CuCaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसी तरह लाइमस्टोन का कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। ये हमारे पास जिप्सम है कि जिप्सम जो है वो पानी में सोल्यूबल होता है जबकि लाइमस्टोन पानी में सोल्यूबल नहीं होता। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें शामिल हो जाए तो लाइमस्टोन भी जो है पानी में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं, डेट इज टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर। अब हार्डनेस की कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं, तो उसको हम जरा पहले व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हार्डनेस की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की हार्डनेस होती है, क्योंकि सॉफ्ट को हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने मेन पढ़ना है हार्ड वाटर को। सो हमारे पास दो टाइप्स के हार्ड वाटर होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेम्पोरेरी हार्ड वाटर, ठीक है जी, टेम्पोरेरी हार्ड वाटर, और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट हार्ड वाटर। ठीक है, टेम्पोरेरी हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और दूसरा क्या है, परमानेंट हार्ड वाटर। तो बहुत इजी है, दोनों की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। टेम्पोरेरी हार्ड वाटर कॉज होता है बाइकार्बोनेट से, किससे कॉज होता है, बाइकार्बोनेट्स, किस किस के, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जो हमारे पास परमानेंट हार्ड वाटर होता है वो पैदा होता है हमारे पास सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है जी, तो परमानेंट हार्ड वाटर जो है वो सल्फेट्स और क्लोराइड्स से के मिलने से बनता है,
और टेम्पररी हार्ड वाटर जो है वो बाइकार्बोनेट्स के मिलने से बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे टेम्पररी का मतलब ये तो नहीं हुआ कि थोड़ी देर के लिए हार्ड रहेगा, परमानेंट का मतलब है हमेशा के लिए हार्ड रहेगा, नहीं। टेम्पररी का मतलब है कि ये थोड़ा ईजी वे में जो है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, बट परमानेंट है इसके लिए हमें ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सॉफ्ट वाटर में। दोनों ही कन्वर्ट हो सकते हैं सॉफ्ट वाटर के अंदर, बट क्या है, एक में थोड़ी एफर्ट कम लगती है, खर्चा कम लगता है, दूसरे में जो है वो थोड़ा सा इनकम जो है ज़्यादा, फाइनेंशियल जो है वो ज़्यादा लग रहा होता है। अब हम बारी बारी दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो टेम्पररी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके अलावा परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों बात करते हैं कि किस तरीके से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और हमारे टॉपिक का नाम है रिमूवल ऑफ हार्डनेस इन वाटर। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है जी। क्या हमारे पास ये एक लॉन्ग क्वेश्चन प्लस ये क्या आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पोररी हार्डनेस की, कि टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। तो टेम्पोररी हार्डनेस हमने देखा था किस वजह से होती थी, ये होती थी बायकार्बोनेट्स की वजह से। ऐसे ही है, बायकार्बोनेट्स की वजह से क्या पैदा होती थी, टेम्पोररी हार्डनेस पैदा होती थी। तो उसमें हमारे पास पहला मेथड है बॉइलिंग का। ये मेथड बहुत सालों से यूज होता आ रहा है कि जब भी हम पानी को इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये प्रेफर किया जाता है कि पानी को बॉइल कर लिया जाए। अब बॉइल करने से एक तो उसके अंदर जर्म्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी खत्म हो जाते हैं, दूसरा जो मेन वजह है वो है कि अगर पानी हार्ड होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्ट वाटर के अंदर। बिकॉज हार्ड वाटर पीने से हमारी हेल्थ जो है वो भी क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, खराब हो सकती है। तो बॉइल करने से क्या होता है हमारे पास, वो हम देखते हैं कि बॉइल करने से जो हमारे पास कैल्शियम के बायकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम के या मैग्नीशियम के हमारे पास क्या होते हैं, बायकार्बोनेट्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम उनको क्या करते हैं, बॉइल करते हैं यानी कि हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है कि जो कैल्शियम के बायकार्बोनेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्शियम के कार्बोनेट्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स में। प्लस ठीक है, साथ क्या निकलता है हमारे पास, वाटर, क्या निकलता है हमारे पास, वाटर, प्लस हमारे पास क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि इन तीनों चीज़ों को मिलाते थे तो कार्बोनेट्स बन जाते, बाइकार्बोनेट्स बन जाते थे, और अब इसको जब हम हीट करेंगे तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोनेट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और आप कहोगे भैया इसमें भी तो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आ रहा है तो क्या ये हार्ड वाटर नहीं है, नहीं, ठीक है। आपने माइंड में रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम से हार्ड वाटर क्रिएट नहीं होता और ना ही उनके कार्बोनेट्स है। हार्ड वाटर तब क्रिएट होगा जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट्स बनेंगे। बायकार्बोनेट्स इज द मेन रीजन ऑफ हार्डनेस इन वाटर। सो ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, डेट इज बाय क्लार्क्स मेथड। अब ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मेथड क्रिएट किया जिससे हार्ड वाटर को कन्वर्ट किया जाता है सॉफ्ट वाटर के अंदर। सो उसके अंदर हमारे पास इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है किसको, लाइम वाटर को, लाइम वाटर, या जिसको हम लोग लाइम वाटर के अलावा स्लेक लाइम भी बोलते हैं, स्लेक लाइम, ठीक है। और इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है, डेट इज CaOH2, ठीक है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, स्लेक लाइम को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सॉफ्ट वाटर के अंदर। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास है कैल्शियम, ठीक है, हमारे पास कैल्शियम जो है वो बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं। जैसे इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, अगर आप यहाँ पे नोट करते हो, सो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमारे पास बन रहा है यहाँ पे, प्लस, क्योंकि देखो कितने कैल्शियम हमारे पास, एक और दो, दो कैल्शियम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस क्या बनेगा, H2O। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे, दो हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा, टू, दो ये हो गए, टू टू ज़ा फोर, हमारे पास दो हाइड्रोजन ये हैं और दो हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो ये हमारे पास जो है बन जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, सो मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी, अगेन उसमें क्या ऐड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास बाइकार्बोनेट्स कितने हैं, बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट्स कितने हैं, दो हैं, ठीक है। CO3 दो दफ़ा आ रहा है क्योंकि बाय टू लिखा हुआ है, सो एक बनेगा आपके पास Mg कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक जो कार्बोनेट है वो यहाँ से निकल के कैल्शियम के पास आ जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस हमारे पास पीछे क्या बनेगा, क्योंकि चार वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दो चार हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दो ये रहे और दो ये हैं, तो क्या बन जाएगा, H
2O और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ताकि 2 2s का क्या बन जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है जब हम क्या करते हैं क्लार्क्स मेथड के जरिए जो है अपने टेम्पररी हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं सॉफ्ट वाटर के अंदर। क्या करते हैं हम उसमें ऐड करते हैं किस चीज़ को ऐड करते हैं हम उसके अंदर स्लेक लाइम को। ठीक है जी, स्लेक लाइम हम उसमें क्या करते हैं ऐड। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और आपको अगर याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब बेसिस के अंदर पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो हमने देखा था उसके यूज में कि इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो ये यहाँ पर उसका जो है प्रैक्टिकल यूज आया कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टेम्पररी हार्ड वाटर को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट वाटर के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज कि कैसे हम लोग टेम्पररी की बजाय अब परमानेंट हार्ड वाटर को रिमूव करें और उसको जो है वो कन्वर्ट करें सॉफ्ट वाटर के अंदर। तो बच्चों आगे मूव करते हैं हम लोग जिसके हमारे पास है परमानेंट हार्डनेस इन वाटर के, इसको हम किस तरह से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, सेकंड वन इज कॉल्ड सोडियम जियोलाइड। अब वॉशिंग सोडा, अच्छा पहले हम देखते हैं परमानेंट हार्डनेस की वजह क्या थी। तो परमानेंट हार्डनेस की वजह थी हमारे पास सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। ठीक है जी, इनकी वजह से क्या पैदा होती थी, परमानेंट हार्डनेस पैदा होती थी। अब वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड Na। ठीक है जी, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो जी हम एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं कि ये जो हमारे पास Na2CO3 है इसको हमने ऐड किया, किसके अंदर ऐड किया, हमने अपने परमानेंट हार्डनेस के अंदर ऐड किया। यहाँ पे हम एग्जांपल के अंदर जो है वो क्या लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट लेते हैं। सेम जो है आपने काम करना है मैग्नीशियम के लिए, CO3 प्लस MgSO4। तो अब ये क्या करेगी, ये कन्वर्ट कर देगा किसको, किसके अंदर, अभी हम देखते हैं। तो देखो जी, सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ आकर जुड़ेगा, कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के साथ आकर जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4। तो ये हमारे पास जो है इसमें आप देख रहे हो कि कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे क्या चीज़ कोज कर रही थी, कैल्शियम के साथ जब सल्फेट था वो परमानेंट हार्डनेस कोज कर रहा था, बट अब जो है वो सोडियम के साथ आ गया है, तो इसका मतलब है परमानेंट हार्डनेस यहाँ से क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। सेम काम यहाँ पर होगा, सोडियम जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फेट के साथ। तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस पीछे क्या बचा, मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा, MgCO3। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर, और ये हमारे पास जो है वो बन गया। आपने क्या चीज़ माइंड में रखनी है, ये Na2CO3 इसका फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, डेट इज कॉल्ड सोडियम जियोलाइट। अब जो सोडियम जियोलाइट है ये हमारे पास एक बड़ा केमिकल होता है, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं ये है एक आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर से क्या मुराद है कि ये अपने आप को जो है एक्सचेंज कर देता है किसी और के साथ। अब ये जो है हमारे पास सोडियम जियोलाइट, इसका फॉर्मूला तो हमारे पास काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ये जो है ये रेजिन है, ठीक है, रेजिन यानी कि ये उससे मिलकर बना है, रेजिन है किसका, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डेट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनियम और सिलिकेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसका जो है वो रेजिन है क्या, सोडियम जियोलाइट, यानी कि इसके अंदर से जो है वो सोडियम जियोलाइट निकलता है। अब इसका रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, इसका रिएक्शन काफ़ी आसान है हमारे पास। वो क्या है हमारे पास, सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला Na2, आगे हम जो है वो जियोलाइट लिख देते हैं, सोडियम जियोलाइट। जब इसको हम ऐड करते हैं किसके अंदर, अपने हार्ड वाटर के अंदर, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के अंदर ऐड करते हैं। अब क्योंकि ये आयन एक्सचेंजर है तो जियोलाइट के साथ कौन सा आयन मौजूद है, सोडियम का, तो ये क्या करेगा, सोडियम को एक्सचेंज कर देगा किसके साथ, कैल्शियम के साथ। तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम जियोलाइट, क्या हमारे पास आ जाएगा, ये कैल्शियम जियोलाइट प्लस ये जो सोडियम है ये अब किसके पास मूव कर जाएगा, सल्फेट के पास। तो क्या बना देगा, Na2SO4। तो अब यहाँ पे देखो कि सोडियम जियोलाइट ने क्या काम किया, उसने अपना आयन एक्सचेंज कर दिया कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम से जो परमानेंट हार्डनेस हो रही थी कैल्शियम सल्फेट की वजह से, वो अब यहाँ से क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। बट इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, कैल्शियम जियोलाइट तो हमारे पास बन गया, बट इसकी अच्छी बात यह है कि ये सोडियम जियोलाइट को हम दोबारा से रिकवर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखने लगे हैं, डेट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ सोडियम जियोलाइट। ठीक है, रिकवरी हो रही है, किसकी रिकवरी हो रही है, यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, रिकवरी ऑफ सोडियम जियोलाइट। ये आपको जो है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है कि जी सोडियम जियोलाइट को कैसे रिकवर किया जाता है। तो अब यहाँ पे नोट करो, ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास क्या बना है, कैल्शियम जियोलाइट बना है। तो कैल्शियम जियोलाइट जो है हमारे पास, क्या फॉर्मूला था उसका, कैल्शियम जियोलाइट, अगर हम इसके अंदर NaCl को ऐड कर दें, क्या करें, इसके अंदर NaCl को ऐड कर दें, तो हमारे पास जो है दोबारा से, क्योंकि जियोलाइट आयन एक्सचेंजर है तो वो अपने साथ कैल्शियम को किससे रिप्लेस कर देगा, सोडियम के साथ। तो क्या बन जाएगा, ये Na2 जियो
लाइड प्लस और क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पीछे 2 लगा देंगे तो हमारी जो बैलेंसिंग है वो भी हो जाएगी। तो हमें जो चीज़ चाहिए थी सोडियम जियोलाइट वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पे रिकवर हो चुका है और हमें दोबारा मिल गया, क्योंकि बहुत इजी बड़े इकोनॉमिकल मेथड से, बिकॉज NaCl तो हर घर में यूज़ होता है। तो आपने क्या करना है, सोडियम जियोलाइट के ऊपर क्या डाल देना है, नमक डाल देना है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम जियोलाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास रिकवरी भी हो चुकी है किसकी, सोडियम जियोलाइट की। अब हम इसको जो है वो जल्दी से बुक से भी देख लेते हैं इन पॉइंट्स को। सो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय बॉइलिंग, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं जी, टेम्पोरेरी हार्डनेस जो है वो इजिली रिमूव हो सकती है बॉइलिंग ऑफ वाटर से। बॉइलिंग से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए, जो कि बाद में निकाल लिया जाता है सॉल्यूशन के ऊपर से। तो उसके बाद ये रिएक्शन था जो कि मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं क्लार्क्स मेथड के ऊपर। क्लार्क्स मेथड क्या था कि इसके अंदर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं किसकी, स्लेक लाइम की, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इससे क्या होता है कि जो टेम्पोरेरी हार्डनेस है वो खत्म हो जाती है। तो ये मैंने आपको जो है दो फॉर्मूलाज, दो रिएक्शन, ये भी आपको समझाया। इसके बाद हमारे पास थर्ड, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना, जो कि पहला मेथड क्या था, वॉशिंग सोडा ऐड करके। वॉशिंग सोडा से क्या होता है, वो रिमूव कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के अंदर। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये यहाँ से ब्रेक होकर जो है वो किसके साथ जुड़ जाता है, इनके कार्बोनेट्स के साथ जो है अटैच हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद है सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट क्या है जी, इट इज एन आयन एक्सचेंजर। जैसे मैंने आपको बताया सोडियम जियोलाइट जो है वो नेचुरली अकरिंग है किसका, रेजिन है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, और जो कि आगे हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। और ये क्या काम करता है, सोडियम जियोलाइट प्लस कैल्शियम सल्फेट। तो सोडियम जियोलाइट जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम जियोलाइट बनाएगा और साथ Na2SO4। तो कैल्शियम ने क्या किया, जियोलाइट के साथ मिलकर जो है कैल्शियम जियोलाइट बनाया, साथ क्या बनाया, Na2SO4। अब अगर हम लोग जो है वो इसको दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे जी, व्हेन द रेजिन इज फुली यूज्ड अप इट कैन बी रीजनरेटेड बाय फ्लशिंग इट विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड के साथ हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। तो उससे हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, सोडियम जियोलाइट है, उसको NaCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम जियोलाइट से सोडियम जियोलाइट बन जाएगा, साथ कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। उसमें पहला डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हार्ड वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोप को कंज्यूम करता है, क्योंकि वो अच्छी लेदर नहीं बनाता, तो सोप ज़्यादा इस्तेमाल होता है वॉशिंग पर्पज़ के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हम ड्रिंकिंग वाटर को पी लेंगे, हार्ड वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो वो हमारे स्टमक के लिए बड़ा जो है वो खतरनाक हो सकता है। थर्ड वाला आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, थर्ड वाला कह रहे हैं हार्ड वाटर जो है वो स्टीम इंजन, बॉयलर, टरबाइन, इनके लिए भी बहुत खतरनाक है, बिकॉज जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, इनसोल्यूबल, वो उनके अंदर जमा हो सकते हैं, उनके टेक्निकल पार्ट के अंदर जमा हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। ये स्केल्स की आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हेंस मोर फ्यूल इज यूज, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं तो इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा चलने के लिए, जिससे हीट ज़्यादा जनरेट होगी। इससे हो क्या सकता है, इससे जो इंजन है वो तबाह भी हो सकता है, धमाका भी उसके अंदर जो है वो हो सकता है। इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट not only reduce the efficiency of engine but also cause the boiler to burst. वो क्या कर सकते हैं, boiler को तबाह भी कर सकता है, उसको फट भी सकता है boiler ज्यादा friction की वजह से। तो ये थे हमारे पास hard water के disadvantages। तो हमारा ये वाला जो topic है यहाँ पर complete हुआ। So बच्चों next move करते हैं हम लोग अपने next topic के ऊपर, जो कि थोड़ा सा theoretical type का question है, जो कि हम book से ही read करेंगे, that is water pollution। अब water pollution जो है basically क्या चीज़ है, आबी आलूदगी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, कि पानी के अंदर अगर पोल्यूशन क्रिएट होती है तो वो क्या कहलाती है, वाटर पोल्यूशन कहलाती है। इसके मेजर हमारे पास तीन मेन वजूहात हैं, डेट इज़ फर्स्ट है इंडस्ट्रीज, सेकेंड है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, थर्ड है एग्रीकल्चर लेवल के ऊपर। तीनों को बारे बारी हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या चीज़ है हमारे पास, तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट ही बताऊंगा, टू द पॉइंट ही मार्क करवाऊंगा। कह रही ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज देयर वेस्ट केमिकल एंड सॉलिड मटेरियल्स आइदर ऑन द ओपन ग्राउंड और टू वाटर चैनल्स, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में भी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड्स, ऑयल्स एंड ग्रीजेस। कह रहे कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हैवी मेटल्स को क्या करती हैं, डिस्चार्ज कर देती हैं, या तो ओपन ग्राउंड के अंदर, या तो उसको जो है वो डिस्चार्ज कर देती है पानी के अंदर, वाटर चैनल्स के अंदर, जिससे क्या होता है हमारे पास कि जो वो चीज़ होती है, वो जो वाटर चैनल्स हैं, जब रिजर्वॉयर्स हो गए, ठीक है, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ये जो है पोल्यूटेड हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। बिकॉज इंडस्ट्री के जो डिफरेंट हार्मफुल टॉक्सिक ऑर्गेनिक मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये पानी के अंदर जो है वो डायरेक्टली भेजे जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास
यहाँ पे हम कह सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ जो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ऑन वाटर पोल्यूशन, वो क्या हमारे पास पहला है जी, दे डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर, इससे वाटर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सेकंड क्या है कि ये कम कर देते हैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी को, जो कि एक्वेटिक लाइफ को, जो पानी के अंदर जिंदगी है, आप भी मखलूकात हैं, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाती है। थर्ड क्या है कि ये जो पानी होता है, जो गंदा पानी है, पोल्यूटेड वाटर है, ये ज़मीन के नीचे जमा हो जाता है, ज़मीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है उसको जाकर क्या करता है, पोल्यूट कर देता है। ठीक है, इट्स सीप डाउन एंड इफ अफेक्ट द ग्राउंड वाटर, दे कंटेमिनेट द वाटर डिपॉजिट्स, व्हेन दिस वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इट सीरियसली कॉज कैंसर एंड गैस्ट्रो, यानी कि पेट की बीमारियां, कैंसर वगैरह इससे जो है वो पैदा हो सकता है। फोर्थ नंबर वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, ठीक है जी, वो क्या है हमारे पास कि हैवी मेटल्स, कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं, पहली बात कैडमियम है, लेड है, मर्करी है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब है एक बहुत ख़तरनाक लेवल पर जहरीले होना, और इंसानी जान के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कह रहे अब वह के एक्यूट कैडमियम से क्या बीमारियां होती हैं, तो कैडमियम से हमारे पास जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज हो सकती है, और इसके अलावा रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। उसके बाद एक्यूट लेड की बात करते हैं, लेड से क्या पॉइजनिंग क्रिएट होती है, वो है हमारे पास डिसफंक्शन ऑफ किडनी, किडनी ख़राब हो सकती है, लीवर, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद मर्करी है, मर्करी से है न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज कौन से होते हैं, हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी में जो नर्व्स का सिस्टम है, डेट इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज़ डोमेस्टिक एफ्लुएंस, डोमेस्टिक एफ्लुएंस का मतलब क्या हुआ कि घरेलू तौर पर किस तरीके से जो है वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है, सो उसके हम बात करते हैं। सो हमारे पास जो है मेजर पॉइंट की तरफ आएंगे, वो क्या हमारे पास दे हैव मेजर डिसएडवांटेज ओवर सोप्स एज सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, के जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो साबुन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि बैक्टीरिया और फंगस उनको डिकम्पोज ना कर पाए, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, कह रहे हैं कि जब ये हाउस होल्ड वाटर जो है, डिटर्जेंट वाला वाटर है, जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं स्टीम में, पॉन्ड्स, लेक्स में, तो ये क्या कॉज करती हैं, वाटर पोल्यूशन। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं, तो उसका जो आंसर है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जो ये डिटर्जेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर होते हैं फॉस्फेट सॉल्ट्स। फॉस्फेट सॉल्ट्स क्या काम करते हैं, वो समुद्रों के अंदर, पानी के अंदर जो एल्जाई होता है, एल्जाई की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं, जिससे जो ग्रोथ होती है एल्जाई की, वो भी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती है। अब एल्जाई जब बढ़ती है, उसके बाद जब उसको वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है, तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, जितने भी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जब उस एल्जाई को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो लेवल है वाटर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ जो है वो, उनकी डेथ हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। तो इसको हम पढ़ते हैं, द डिटर्जेंट्स रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेक वाटर अनफिट, वो क्या करते हैं, अनफिट कर देते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। जो फॉस्फेट सॉल्ट्स हैं डिटर्जेंट्स के अंदर मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, वो रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जाई को कॉज करते हैं, ठीक है, जो कि पानी की सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रही होती है, उससे क्या होता है, उससे जो प्लांट्स हैं वो मर सकते हैं, जब वो प्लांट मरेंगे तो उससे क्या होगा, जब उनकी डिकेइंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करेंगे जो कि पानी के अंदर मौजूद है, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, पानी के अंदर कम हो जाएगी। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, डेट इज़ एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट। मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ाई हैं, वो चीज़ें मार्क करवाई हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स क्या मतलब, यानी कि पौधों के अंदर, फसलों में जब हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर मौजूद होते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स जो कि वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद, फसलों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बिकॉज एक ही ज़मीन पर जब हर साल बार बार कल्टीवेशन की जाती है, बार बार कल्टीवेशन की जाती है, तो जो सॉइल के अंदर मौजूद नाइट्रोजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, सो उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, ताकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सके। बट उन फर्टिलाइजर्स के अंदर, उन पेस्टिसाइड्स के अंदर, पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मारे दवायात, ठीक है, उनके अंदर जो है वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर जा सकते हैं, ग्राउंड वाटर को क्या कर सकते हैं, पोल्यूट कर सकते हैं। सो वाटर पोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट की वजह से होती है, क्यों, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दे आर यूज टू मेकअप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो जमीन के अंदर होती है, बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द रिसेंट ईयर, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होती है जमीन की। इसके अलावा हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो किल करते हैं किसको,
पेस्ट को, ठीक है, पेस्ट क्या हो सकती है, वीड, हर्ब, इंसेक्ट, फंजाई, वायरसेस, डिफरेंट किस्म के कीड़े मारा दवायात बेसिकली इनको बोला जाता है। ये कहती है दे डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट डिजीज बोर टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, जो फिर उन फसलों को या उन पेस्टिसाइड से तैयार शुदा फसलों को खाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली उनके उनको भी जो है वो बीमारियाँ जो है वो ट्रांसफर होगी। इसके बाद हमारे पास है एग्रीकल्चरल एफ्लुएंस के कौन कौन से इफेक्ट्स है, उसके अंदर पहले हमारे पास है कि बार बार इंटेंसिव कल्टीवेशन क्रॉप्स की जब होती है तो उससे क्या होता है, वो जो केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। लीचिंग प्रोसेस की यहाँ पे एक डेफिनेशन भी आ गई है, ठीक है, दे हाई नाइट्रेट कंटेंट्स इन ग्राउंड वाटर मेनली बिकॉज ऑफ इरीगेशन रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही ज़मीन पर जो जब काश्त करते रहते हैं तो फर्टिलाइजर डालने से वो ज़मीन के नीचे चले जाता है पानी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है कि जब एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ किए गए हैं, जब वहाँ से जो पानी है वो ज़मीन वो दरियाओं में नदी नालों में जाता है तो उस पानी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं और फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं। ये सब्सटेंसेस क्या काम करते हैं, ये ग्रोथ बढ़ाते हैं एल्जाई की, जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करता है, जो कि सनलाइट को और हवा को पानी के अंदर आने से जो है वो रोकता है, जिससे जब वो एल्जाई बाद में डिकम्पोज होती है तो ऑक्सीजन जो है वो पानी की यूज़ होती है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है पानी के अंदर, जो कि एक्वेटिक लाइफ की जो डेथ है उसकी वजह बनती है। इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट्स क्या है वाटर पोल्यूशन के, उसके अंदर हमारे पास पहला है कि जो वाटर पोल्यूशन है वो ह्यूमन के लिए हेल्थ हैजर्ड है, ठीक है, हेल्थ हैजर्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है इससे खतरा है हमारे इंसान को, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, जब ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पीते हैं, जो पोल्यूटेड वाटर हम पीते हैं इस्तेमाल करते हैं, उससे बीमारियां होती हैं लाइक कोलरा, टाइफाइड, डायरिया वगैरह हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है कि जब ये पोल्यूटेड वाटर जो है ये ना ही सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानदारों के लिए जो है डिफरेंट एनिमल्स बर्ड्स उनके लिए भी, बिकॉज वो भी वो पानी इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो हेल्थ है इससे खतरे में पड़ती है। थर्ड क्या है कि इससे जो है एल्जाई की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और एल्जाई की ग्रोथ ज़्यादा होने से क्या होता है, जब उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिससे उनका जो डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीजन की पानी के अंदर। फोर्थ नंबर क्या है कि डैमेज करते हैं एक्वेटिक लाइफ को, जिससे जो है फूड चेन डिस्टर्ब होती है, बिकॉज दुनिया का मेजोरिटी पर्सन जो पोर्शन है वो सिर्फ एक्वेटिक लाइफ पर डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद फाइव नंबर वाला पॉइंट क्या है कि इससे जो है पानी की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। थर्ड क्या है, इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पस, और ऐसा पानी जो है पोल्यूटेड वाटर ना ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना ही वॉशिंग पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज़ वाटर बोन डिजीज। अब वाटर बोन डिजीज क्या होती हैं, ऐसी डिजीज जो कि कंटेमिनेटेड वाटर पीने से या वो चीज़ जो कि उस कंटेमिनेटेड वाटर में बनी हुई है उस चीज़ को इस्तेमाल करने से फैलती है, डेट इज़ कॉल्ड वाटर बोन डिजीज। यानी कि दो चीज़ों से जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो होता है, फर्स्ट वन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड वन इज़ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, वायरसेस ये होते हैं। अब हम जरा इसको रीड करते हैं, डिजीजेज डेट स्प्रेड, ठीक है, क्या हमारे पास डिजीजेज डेट स्प्रेड, जस्ट वेट अ सेकेंड, तो diseases that spread because of drinking polluted water or eating food prepared with polluted water are called waterborne diseases, ठीक है जी। अब waterborne diseases किस वजह से हो सकती है, toxins, microorganisms। toxins क्या होते हैं जी, toxins are arsenic, mercury, calcium, lead and many other organic chemicals। और microorganisms कौन से होते हैं जी, microorganisms are viruses, bacteria, protozoa and worms। अब हम बात करने लगे हैं अपने, क्योंकि हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाटरबोर्न डिजीजेज वाला। इसके अंदर हमारे पास टोटल 9 किस्म की वाटरबोर्न डिजीजेज है, आपको 9 की 9 जो है वो याद होनी चाहिए। पेपर में जब आता है तो ज़्यादातर आपसे पूछते हैं एनी 5 वाटरबोर्न डिजीजेज, बट जो बाकी की रह जाएंगी वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, और कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बारी बारी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डायरियल डिजीजेज, जिसको हम डायरिया बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल डिजीज सच एज कोलरा डेट में कॉज डेंजरस डिहाइड्रेशन, डायरिया में भी कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। जो डायरिया होता है वो ज़्यादातर कोलरा से यानी कि हैजे से फैलता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है, जो कि वायरस वगैरह से फैला जाता है। इसके बाद है डायसेंट्री, डायसेंट्री इज एन इंटेस्टाइनल डिजीज, यानी कि आंतों की बीमारी होती है जो कि ज़्यादातर बैक्टीरियाज और पैरासाइट से फैलती है, और इट इज़ कैरेक्टराइज बाय सवेयर डायरिया। इस डायरिया के अंदर डायसेंट्री में भी जो है वो डायरिया होता है बॉडी में। और इसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट डेट इज कोलरा, कोलरा मीन्स हैजा, कोलरा इज एन एक्यूट इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का क्या नाम है, विब्रस कोलरा, ये इस बैक्टीरिया का नाम है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए जो है वो माइंड में रखना है, विब्रस कोलरा, विच मे बी फाउंड इन वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसेस, जो कि जो है वो आलूदा पानी जो है कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसके अंदर जो है वो पाया जाता है।
कोलरा कॉज सीवियर डायरिया एंड कैन बी फेटल, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो खतरनाक लेवल तक इंसान को के लिए जो है बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद है क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोजोआ से फैलता है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस यानी कि आंतों की बीमारी जो होती है उस वो होती है, जिसके अंदर डायरिया भी होता है और वोमिटिंग भी होती है। और ये जो टाइनी पैथोजेंस, पैथोजन मतलब टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर सर्फेस वाटर सोर्सेज लाइक रिजर्वॉयर्स, लेक्स, दरियाओं में और लेक्स वगैरह के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद है फ्लोरोसिस। ये फ्लोरोसिस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसिस का मतलब है दांतों की बीमारी, ठीक है। फ्लोरोसिस अ डिजीज कॉज बाय कंजम्पशन ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। जब ज़्यादा फ्लोराइड जो है वो हमारे बॉडी में आता है तो फ्लोरोसिस पैदा होती है। फ्लोरोसिस से जो है वो हड्डियों की बीमारी एंड टीथ डैमेज जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपने काफ़ी बार नाम सुना है, इट इज़ अ लिवर इन्फ्लेमेशन। ये जिगर की बीमारी होती है जो कि 5 वायरस है जिनका नाम है हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई, इनसे फैलती है। और जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है वो कहाँ से फैलता है? ज़्यादातर कंटेमिनेटेड आलूदा पानी से फैलता है। इसके बाद है हुकवर्म। हुकवर्म इज़ अ पैरासिटिक वर्म डेट इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कीड़ा जैसा होता है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पर इफेक्ट करता है आके। सीवियर कॉजेज कैन रिजल्ट इन एनीमिया एंड स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। इससे एनीमिया हो सकता है, एनीमिया मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है, या बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाती है? रुक जाती है। हुकवर्म लार्वा जो है, लार्वा हमारी बॉडी में जो एंटर होता है वो होता है ज़्यादातर पाँव से, जो कि कब फैलता है? जब हम जो है गंदे पानी में पैदल चलते हैं या पाँव के जरिए जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है फैला जाता है। इसके बाद है जॉन्डस। जॉन्डस क्या है जी? जॉन्डस इज एंड कॉज बाय एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट इन ब्लड। इसको हम बोलते हैं पीला यरकान, जब बॉडी जो है पूरी येलो कलर की हो जाती है। लीवर सीजेस टू फंक्शन एंड आईज टर्न येलो, आंखें जो है वो येलो हो जाती हैं। पेशेंट फील वीकनेस एंड फटीक, पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इससे जो है वो थकावट महसूस करता है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड जो है हम जानते हैं कि जिसके अंदर हमारे जो है पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इससे बीमार हो जाती है। डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज ऑफन स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर और फूड प्रिपेयर विद कंटेमिनेटेड वाटर। ऐसी बीमारी जो कि या तो कंटेमिनेटेड वाटर पीने से या तो उस खाने को खाने से जो कि उस कंटेमिनेटेड वाटर में बंधा है उससे फैलती है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, डेट इज़ प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोन डिजीजेस। कि वाटर बोन डिजीजेस से हम बच कैसे सकते हैं, बचा कैसे जा सकता है? तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर। अगर हम साफ पानी मुहैया कर दें, ठीक है, ऐसा पानी जो कि कंटेमिनेशन से पाक हो, उस पानी के अंदर जो है वो उससे फिर जो है वाटर बोन डिजीज से रोका जा सकता है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रॉपरली ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ सीवेज। जितना भी सीवेज, कूड़ा करकट, गटर होता है, ठीक है, इसको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए तो जो है वो इससे बचा जा सकता है। There must be adequate sanitary disposal of sewage. Any type of waste must not be thrown or discharged directly into water supplies. ठीक है, directly कूड़ा किरकिट को पानी में जो है वो नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद last है हमारे पास toxic of control of toxic chemicals। जो खतरनाक किस्म के जहरीले chemicals है उनको अगर हम उनसे को हम रोक लें तो हम जो है इससे बच सकते हैं। केमिकल कंटेमिनेशन कैन कॉज एक्यूट इलनेस बट ऑफ्टन टॉक्सिक कंटेमिनेशन आर स्लो पॉइजन एंड कार्सिनोजेंस। ठीक है, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसान की हेल्थ खराब करते हैं और कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। देयर मस्ट बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। इसी तरह दूसरे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन पर भी हमें जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर रह गया। ठीक है, एक दिन और है, एक चंद घंटे जो है आपकी, उसके बाद पूरा चैप्टर जो है आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी आप समझो आपने पूरी एक मरतबा बुक कंप्लीट कर लिया है, हम जो है वो डायरेक्ट रिविजन की तरफ आएंगे अपनी केमिस्ट्री के टॉपिक की। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर तो समझ आया, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। उसका हैंडल आपके पास है फिजान तनवीर। ठीक है, आपको शो हो रहा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं और आपने इस जर्नी के अंदर मेरे साथ रहना है। ठीक है, बिकॉज हम आगे बहुत कुछ और कवर करेंगे, क्योंकि मैंने ये अजम उठाया हुआ है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है वो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कराने में मदद करनी है। बट मैं एक कदम उठाता हूं तो आपको दो कदम जो है मेरी तरफ आना पड़ेगा, खुद मुझे जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाजमी से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर, अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर, ताकि बच्चे जल्दी से जो है वो टीचर्स पर, स्कूल्स पर डिपेंडेंट होने की बजाय अपना जो सिलेबस है खुद कंप्लीट करें, जस्ट दिन का 1.5 घंटा देकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या अल्लाह हाफिज़।